नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने में जिस विषय पर बातें करने जा रहा हूं आप लोगों से, वो विषय है कि दुख किसका कितना बड़ा। हम हरदम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो दुख है ना, वो सबसे ज्यादा हेवी है, सबसे ज्यादा बड़ा है। हम सबसे ज्यादा दुनिया के दुखी प्राणियों में से एक है। हमसे ज्यादा दुखी कोई हो ही नहीं सकता। और हम हर चीज के लिए ईश्वर पे, पेरेंट्स पे, सोसाइटी पे, एम्प्लॉयर पे, सबको दोषी ठहराते हैं। तो मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा। ये कहानी आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी, व्हाट्सएप पे भी फॉरवर्ड हुआ है और काफी पॉपुलर स्टोरी है। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट में सुनाना चाहूंगा सो दैट कि मैं इसको अपने और आप लोग के लाइफ से लिंक करा सकूं। देखिए, हम लोग हर चीज ये मान के चलते हैं कि हमसे ज्यादा दुखी कोई नहीं हो सकता, और हम साथ ही साथ ये भी मानते हैं कि हमसे ज्यादा काबिल भी कोई नहीं हो सकता। हम दोनों सिचुएशन में अपने आप को एकदम सबसे अलग मानते हैं, और दुख का कारण यही है क्यों हम रियलिटी से दोनों स्थिति में दूर रहते हैं। हमसे ज्यादा काबिल लोग भी हैं इस दुनिया में, और हमसे ज्यादा दुखी लोग भी हैं इस दुनिया में। हम इस तथ्य को जब समझ लेंगे तो सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। एक ज्ञानी थे, है ना, फिलोसोफर थे, उनके काफी शिष्य लोग थे, सबसे उनको बातचीत होते रहती थी। तो एक शिष्य था, नाम लेना नहीं चाहूंगा मैं इसलिए कि नाम किसी न किसी से मिल जाएगा। तो आप मान के चलिए कि शिष्य एक, है ना, जो शिष्य थे वो बार बार उनके सामने में रोते थे, साहब मुझे तो बहुत तकलीफ है, मेरा तो यही दुख है, मेरे दुख से ज्यादा बड़ा तो दुख किसी का है ही नहीं, आप मुझे कोई उपाय बताइए। तो ज्ञानी जी ने उसको कहा कि तुम्हारा दुख इतना बड़ा कहाँ है, और लोग भी हैं दुखी, सारे लोग शिकायत करते हैं। तो नहीं साहब, मुझसे ज्यादा दुखी तो कोई है ही नहीं। अच्छा, एक काम करो, तुम अपने दुखों को जमा करो, जितने भी तरह के दुख हैं उनको जमा करो और एक बोरे में डालो, और उसे ढोते हुए यहां से 2-3 किलोमीटर दूर एक गोडाउन है, वहां पहुंचो, वहां अपने बोरे रख देना, और जिसका जिस और वहां और भी लोग आएंगे अपने अपने बोरे लेके, जिसका बोरा सबसे हल्का दुखों का लगे ना, वो बोरा तुम ले आना। और यही बात उन्होंने जितने भी और लोग उनसे ये शिकायतें करते थे उनको कही। डेट एक ही रखा, जगह एक ही रखा, टाइम भी एक ही रखा। अब नियत तिथि को सारे दुखी प्राणी, काफी थे 10-15-20 जो भी थे, सारे लोगों ने अपने अपने दुख को बोरे में भरा, पीठ पर डाला और चल पड़े डगमग डोलते हुए उस गोडाउन की ओर। रास्ते में सारे लोग जा रहे थे तो शिष्य एक जो था उसने देखा कि जो लोग जा रहे हैं सबके बोरे बड़े बड़े हैं, इसका बोरा तो उनके मुकाबले बहुत छोटा है। उसने कहा हो सकता है बोरे का साइज बड़ा हो, भार हल्का हो। सब लोग वहां गए, वहां पे अपने अपने बोरे जिसपे उन्होंने अपने नाम का टैग लगा रखा था रखा, और उसके बाद ज्ञानी जी का इंतजार करने लगे। ज्ञानी जी आए, चाय समोसे सर्व हुए, वो खाया पिया। उसके बाद ज्ञानी जी ने कहा कि तुम सबों को लगता है कि तुम्हारा दुख सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा हेवी है, भारी है, तो आज ये मौका मैं तुम्हें दे रहा हूं अपने अपने दुख को एक्सचेंज करने का। ये बार्टर सिस्टम है, आप अपना दुख किसी का बोरा किसी और के दुख के बोरे से एक्सचेंज कर लीजिए और चले जाइए, लेकिन आपको यहां से दुख का बोरा लेके जाना ही जाना है, आप खाली हाथ नहीं जा सकते। इस कमरे में 15 आदमी हैं, 15 दुख के बोरे हैं, ये 15 आदमी
अपने अपने दुख के बोरे लेके जाएंगे और ये कमरा दुख से खाली हो जाएगा। दुख के बोरे यहां एक भी नहीं दिखने चाहिए। बहुत अच्छी बात है। कोई उठा नहीं, कोई हिला नहीं, तो ज्ञानी जी को समझ में आ गया। वो चुपचाप उठ के वहां से निकल गए बाहर टहलने। कुछ देर के बाद आए तो वहां दुख का एक भी बोरा नहीं था। लेकिन शाम में जब संगत लगी, सारे 15 लोग आए, तो उन्होंने पूछा कि तुम लोगों में से कितने लोगों ने अपने दुख के बोरे बदले? कोई हाथ नहीं उठा। तो फिर तुम दुख के बोरे तो लगे होंगे ना, किसका दुख का बोरा ले गए? तो सबने कहा अपना अपना। कहा अपना अपना क्यों? तो सबने हाथ जोड़ लिया, कहा कि आपने हमारी आंखें खोल दी। हमें ये हरदम लगता रहा कि हमारा दुख दूसरों से ज्यादा है, लेकिन जब हम वहां गए और हमने दूसरे के दुख देखे, एक्चुअली में बोरे को नापने का कोई पैमाना हो नहीं सकता ना, दुख को नापने का कोई पैमाना नहीं हो सकता, unless and until you put yourself in the shoes of the other person. That is what that saint did. जिस दिन उन लोगों को यह रियलाइजेशन हो गया कि दूसरे का दुख उनसे ज्यादा है, उन्हें अपना दुख छोटा लगने लगा, अपना दुख हल्का लगने लगा। हमारे लाइफ में यह बहुत बड़ी बात होती है कि हम हरदम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके, मैंने पिछले एपिसोड में भी इसको कवर किया था, पिछले मुझे लगता है 7-8 एपिसोड पहले, कि आप कंपेयर करना छोड़ दीजिए। जिस दिन आप कंपेयर करेंगे उस दिन आपको अपना दुख दूसरों से भारी लगेगा। जब आप कंपेयर करना छोड़ देंगे आपको अपना दुख कभी भी भारी नहीं लगेगा। आप अपने सामर्थ्य को बढ़ाइए, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाइए दुख सहने की। होता यह है कि हम दुख को इतना हेवीली अपने ऊपर लेने लगते हैं ना कि हम अपनी कैपेबिलिटी को ही खो देते हैं। हर आदमी का यह प्रयास होना चाहिए कि वो अपने आप को स्ट्रांग करे, भीतर से अपने आप को कैपेबल बनाए। दूसरी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, इंटरेस्टिंग कहानी है, कि सिचुएशन से घबरा के हम ओवर रिएक्ट कैसे करते हैं और कैसे हम सिचुएशन को बुरा बना देते हैं। अगर हमें हम सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं तो अपना कूल हमें मेंटेन करना चाहिए। दुख की घड़ी में, विपत्ति की घड़ी में सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है ना वो है अपने आप को शांत स्थिर रखना। तो एक बार एक नाव में कुछ यात्री सवार थे और फ्लडी सिचुएशन था, तो नाव थोड़ी डोल रही थी। उस यात्री एक यात्री के पास एक बंदर भी था और उसी नाव में एक मॉन्क भी बैठे हुए थे। तो जब बीच लहरों पे नाव पहुंची और ज्यादा डोलने लगी तो बंदर उछल कूद मचाने लगा, वो घबरा रहा था, इधर से उधर कूदता, उधर से उधर कूदता, घबराता, आवाज देता। इससे काफी जो यात्री थे वो डिस्टर्ब हो रहे थे और साथ ही साथ जो नाव चलाने वाला था उसको ये तकलीफ हो रही थी, कहीं उसकी वजह से, उस बंदर के घबराने की वजह से और लोग घबराने लगे और नाव इधर उधर होने लगा तो फिर डूब जाएगा। बंदर को बहुत तेरे समझाने की कोशिश की उसके ओनर ने कि तुम शांत होकर बैठ जाओ, बट वो संभल नहीं रहा था, उसको परिस्थिति का ज्ञान नहीं था, वो घबरा रहा था। तो संत ने कहा, जो सेंट थे, मॉन्क थे, उन्होंने जो ओनर था उनको कहा कि अगर आप परमिशन दें हमें, इफ यू परमिट मी आई विल हैंडल दिस सिचुएशन। तो हाँ हाँ क्यों नहीं। उसने बंदर को पकड़ा, एक दो आदमी की मदद से उठाया और पानी में फेंक दिया। अब बंदर पानी में जाते ही कुछ देर तो छटपटाता रहा, इधर उधर हाथ पांव मारता रहा, उसे लगा कि अब डूबे तब डूबे, सचमुच में वो डूबने लगा। तब जो मॉन्क थे उन्होंने उसे पानी से बाहर निकाला और उसके बाद नाव पे रख दिया। उसके बाद से बंदर चुपचाप एक जगह कोने में ठिठुरा हुआ बैठा रहा, एक मिनट उसने कोई हल्ला नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि जब तक एक्चुअल सिचुएशन का पता नहीं चलता हमें ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं।
बंदर को यह समझ में आ गया पानी में डूबने के बाद कि नाव उसे बचाए हुए था, उसे भींगने नहीं दे रहा था, उसे सुरक्षित रखा था, और इसीलिए उस नाव में शांत होकर बैठना ही उसको सुरक्षित रख सकता है। हम सब अपने जीवन में ऐसे ही ओवर रिएक्ट करते हैं, ऐसे ही घबरा जाते हैं, ऐसे ही हम जंप ऑफ कर जाते हैं, ऐसे ही हम परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को शांत नहीं रख के परिस्थितियों के विपरीत रिएक्ट करते और अल्टीमेटली परिस्थिति को अपने आप को डैमेज करने का मौका दे देते। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दीज टू स्टोरीज आर टू टेल यू दैट योर सैडनेस और योर सिचुएशन इज नॉट एज बैड एज अदर्स, दे आर मोर सैड देन यू, एंड इफ देर इज एडवर्स सिचुएशन इफ यू रिएक्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट योर रिएक्शन मे हार्म अदर्स ऑल्सो एंड यू ऑल्सो, देन यू आर गोइंग टू लैंड अप इन ट्रबल। जस्ट मर्ज दीज टू स्टोरीज इन योर लाइफ, अंडरस्टैंड दैट योर अनहैप्पीएस्ट मोमेंट्स आर लेसर देन अदर्स, बी स्ट्रांग, उस मजबूत कीजिए अपने आप को, और एडवर्स सिचुएशन में शांत होइए, शांत होकर सिचुएशन का डटकर मुकाबला कीजिए, आप ये मान के चलिए कि आप सुरक्षित। सो जिंदगी में ये चीजें हमें जरूर याद रखनी चाहिए कि दूसरों का दुख हमारे दुख से बड़ा भी है, दूसरों को हमसे ज्यादा तकलीफें भी हैं, दूसरे हो सकता है हमसे ज्यादा कमजोर भी हों, और उनके पास हमसे कम अपॉर्चुनिटीज भी हो। हमें अपने को स्ट्रांग बनाना है, परिस्थिति को समझना है, परिस्थिति का अनुकूल रिएक्ट करना है, परिस्थिति के विपरीत रिएक्ट नहीं करना है। और अगर तूफान आया हुआ है जिंदगी में तो उस तूफान को डटकर शांत होके एक चित्त होके मुकाबला करना है। जिस दिन आप अपने आप को स्ट्रांग बना लीजिएगा और परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कीजिएगा ना, आपका दुख उसी तरह गायब होगा जैसे नमक का बोरा जब लेके समुन्द्र में या नदी में कोई उतरता है तो भार हल्का हो जाता है, क्योंकि नमक का बोरा गल के पानी में मिल जाता है, भार खत्म हो जाता है। दुख हमारा इसी तरह है, जैसे ही आप नमक के बोरे को पानी में डालिएगा ना, जिंदगी हमारा समुंदर है, जैसे ही उस दुख को आप कैरी करके अपने जिंदगी में डटे रहिएगा वो हल्का हो जाएगा। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, डू वेल, डेवलप योर स्ट्रेंथ, एंड प्लीज रियलाइज कि आपका दुख है, वो दूसरों से ज्यादा नहीं तो कम नहीं तो ज्यादा भी नहीं है, और उस बात को लेकर दुखी होने की जरूरत नहीं कि दूसरे का दुख आपसे ज्यादा है या कम है। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को मजबूत रखना है और मजबूत रखिए। सो आप सबों को मजबूत होने का मंत्र देते हुए मैं यही कहूंगा, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, जीवे मा शरद शतम। नमस्कार।